बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ कैंटर पब्लिशर, द लीडर्स ऑफ वन करिकुलम वन नेशन। टुडेज लेसन इज़ फॉर इंग्लिश ए एंड द रिसोर्सेज यू नीड इज़ द बुक फॉर इंग्लिश ए, द वर्कबुक फॉर इंग्लिश ए एंड द समर पैक फॉर इंग्लिश ए। लेटर ए, टुडे इज़ द रीडिंग स्किल and we'll start on page number 16 of your playgroup book. I hope you remember your page number 16 has a lot of pictures on it. There was a story and a song as well, which we have done in the previous lessons. The main objective for this lesson is to identify small a, its sound and actions with the vocabulary. So today we are going to do some reading on the page. The skill is reading, picture reading. We are going to look at some pictures and answer what these are. आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और कुछ arrows नजर आ रहे हैं. Can you tell what is this? आप बता सकते हैं ये क्या है? दिस इज एन एप्पल, सेब, एक फल है जिसको हम बहुत शौक से खाते हैं. दिस इज एन एंट, ये एक चींटी है. दिस इज एंकल, ये हमारे पाँव का एक हिस्सा है, इसको एंकल कहते हैं. तो मेरे साथ जरा रिपीट कीजिए, एप्पल, एंकल, एंट. एक बार फिर, एप्पल, एंकल, एंक. फिर से, एप्पल, एंकल, एंट. अपना जरा मुंह खोल के आपने राउंड आवाज निकालनी है, एप्पल. आपके थ्रोट पे से, गले में से आवाज आए, एप्पल, एंकल, एंट. क्या आपने ये नोटिस किया कि ये तीनों लफ्ज एप्पल, एंकल और एंट की पहली आवाज ए थी? इस आवाज ए की शक्ल ऐसी होती है जब हम उसको लिखते हैं, राउंड, अप एंड डाउन. ए इस साउंड की आवाज है ए, एप्पल, एंट, एंकल. ए ए ए. अब हम वापस चलते हैं बुक के उस पेज पे जहां पे हमारा ये साउंड नजर आ रहा है, एंट, एप्पल, एंकल, एंकल, एप्पल, एंट. इसी ए के साथ जो स्टोरी हमने सुनी थी उसमें भी ए बहुत सी जगहों पे आता है. दोबारा से पढ़े, ऑन संडे मॉम, डैड, अलिश्बा एंड अनोरल वेंट फॉर अ पिकनिक. अ अ अ. अलिश्बा लव्स टू डू आर्ट. अ शी टुक हर आर्ट बॉक्स विद हर. अ Anoral loves to play with her toy animals. She was making a farm full of animals and insects. Suddenly, one real ant climbed her arm and she said, ant. And arm. अब आप पेंसिल लें और इस स्टोरी में मौजूद जितने भी ए नज़र आपको आते हैं उनको ज़रा सर्कल कीजिए.
ऑन संडे, ये देखिए ये ए है, ये डैड में ए है, अलिश्बा में एक शुरू में, एक दरमियान में और एक एंड में ए है, एंड में है, अनोरल के नाम में है, अ पिकनिक है, अलिश्बा के नाम में है। आपने इनको सर्कल करना है बस अपने पेंसिल से, लाइन बाय लाइन जाते जाइए, जहाँ आपको ए नज़र आए उसको सर्कल कीजिए। एनिमल्स में भी दो ए, वॉज में भी ए, मेकिंग में भी ए, ये भी ए, फार्म में भी ए, एनिमल्स में भी ए, एंड भी ए, रियल में भी ए, आर में भी ए, एंड में भी ए, और सेड में भी ए। सो ये वो साउंड है जो बहुत सारे अल्फाज में यूज होती है, इसको ए बोलते हैं, ए। सो शुरू की आवाज जिन लेटर्स की एक जैसी है, जैसे एंट, एप्पल, एंकल, आर्म, एनिमल्स, अनोरल, अलिश्बा, आर्ट। ये तमाम अल्फाज ए की आवाज से शुरू होते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप वापस जाइए और ये स्टोरी दोबारा रीड करने के बाद दोबारा से ऐप के साउंड को प्रैक्टिस कीजिए। ये स्टोरी आपके पेज नंबर 16 में टॉप राइट पे मौजूद है। लेटर ए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस लेटर ए की पहचान हो गई है, क्योंकि हमारा एसएलओ कह रहा था कि आपको उसकी पहचान हो जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। ए एंट, ए एप्पल, ए एंकल, ये सॉन्ग ऑफ ए हमने सिंग किया था, इसमें भी ए मौजूद है। एंट्स में, मार्चिंग में, से में, और ये उसकी साउंड ए ए ए। द एंट्स गो मार्चिंग वन बाय वन, द एंट्स गो मार्चिंग वन बाय वन, एंड से ए ए ए ए। और ये सॉन्ग आपकी बुक में यहाँ पे मौजूद है, इसको आप बार बार सिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ वर्कबुक के पेज पे काम करने की तरफ। आप अपने वर्कबुक के पेज नंबर 4 को खोलिए और यहाँ पे आपने ये काम खुद से करना है, अपनी मदर की हेल्प से, सिस्टर ब्रदर या फादर की हेल्प से आपने वो वर्ड्स, वो ऑब्जेक्ट्स, वो तस्वीरें ढूंढनी हैं जिनके शुरू में ए की आवाज आती है, जैसे एक्स यानी कुल्हाड़ी, एरो यानी तीर, आंट यानी खाला, आर्मी यानी फौज, एनिमल यानी जानवर। एक्स, एरो, एंट, आर्मी, एनिमल, इनकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, सॉन्ग भी सिंग करना है, स्टोरी भी रीड करनी है और इन वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये सब एक के फ्रेंड्स हैं और आज हम एक को रीड कर रहे हैं और उसकी आवाज को पहचान रहे हैं। थोड़ा होमवर्क कर ले, और वो होमवर्क है वर्कबुक के पेज नंबर 4 पे और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 पे। स्किल है लिसनिंग एंड रीडिंग। अपनी मामा से कहें कि आपकी हेल्प करें और इन तस्वीरों के नाम बताइए। ये क्या है? एरोप्लेन। ये क्या है? आर्म। ये क्या है? एप्पल। तो ये सारी आवाजें ए
से शुरू होती है? एरोप्लेन और एप्पल। ये आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको याद हो तो आपने इन दो एंट्स में कलर किया था, लेकिन क्या आपने देखा था कि इस एंट के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये आपका वो फ्रेंड है ए, जिसको आज आपने लर्न किया है। सो आपकी ये एंट और आपकी ये वाली एंट आपकी फ्रेंड है और इनकी आवाज शुरू होती है लेटर ए से। इस आवाज का नाम है ए, इस शक्ल का नाम है ए, इसकी आवाज है ए, और इसके आगे अगर हम लिखें तो ये बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे कि एप्पल एंड और आर्म। Thank you and see you soon. Until the next lesson, take care of yourself and your family. Allah Hafiz.